लोकसभा के चुनाव में विपक्ष के नेता जी कह रहे थे कि सारी सीटें जीत जाएंगे, एक भी नहीं जीती आज। विधानसभा के चुनाव में जो भी दावा किया कि सरकार बनेगी, सरकार बन गई हमारी, तो जो भी दावा आरजेडी की तरफ से किया जाता है, मेरा सवाल है जनता उलट निर्णय क्यों करती है। बिहार सरकार के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन बीजेपी के बिहार प्रदेश कार्यालय में संयुक्त कार्यक्रम में थे और उसी के क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान को लेकर उनसे सवाल किया गया। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यालय में उन्होंने ये कहा था कि बिहार में दो जगह उपचुनाव होने वाले हैं और आरजेडी दोनों जगह पे जीत रही है और तेजस्वी यादव ने दावा किया था उसको लेकर। जब सैयद शाहनवाज हुसैन से सवाल किया तो शाहनवाज हुसैन का क्या कहना था, पहले सुन लेते हैं। लोकसभा के चुनाव में विपक्ष के नेता जी कह रहे थे कि सारी सीटें जीत जाएंगे, एक भी नहीं जीती आरजेडी। उस दावे पर आपने कब सवाल किया? विधानसभा के चुनाव में जो भी दावा किया कि सरकार बनेगी, सरकार बन गई हमारी, तो जो भी दावा आरजेडी की तरफ से किया जाता है, मेरा सवाल है जनता उलट निर्णय क्यों करती है। जब जब वो दावा करते हैं, जनता आरजेडी के दावे को हर बार खारिज क्यों करती है, ये सवाल भी तो पूछिए निडर होके जाके कि जब जब आप दावा करते हैं तो फिर जनता उसे खारिज क्यों करती है। जो दो जगह उपचुनाव है, दोनों जगह भारी बहुमत से एनडीए प्रत्याशी जीतेंगे, इसमें शक्ति कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपने सुना, सीधे तौर पर शाहनवाज हुसैन का कहना था कि लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे थे कि भारी बहुमत से जीत हो रही है और जनता ने उन्हें जीरो पे आउट कर दिया। अब जिस तरीके से विधानसभा में भी ये दावा किए जा रहे थे कि महागठबंधन की जीत हो रही है और जनता ने भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन की सरकार बना दी, अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दो सीटों पर बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनके दावों को जनता झुठला देती है। तो ये सवाल जाके आरजेडी से करना चाहिए कि आखिरकार जब ये दावे होते हैं तो क्यों जनता उनकी दावों को खारिज कर देती है और उन वो जो दावे करते हैं उसके विपरीत काम होता है। देखने वाली बात है, जहां एक तरफ सैयद शाहनवाज हुसैन साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बिहार में दो उपचुनाव होने वाले हैं, वहां भी एनडीए की सरकार एनडीए की ही जीत होगी, वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि आरजेडी जब जब जो दावा करती है वो उसे जनता खारिज कर देती है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।